सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर इस टॉपिक पर काफ़ी वीडियो बन रही है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कैसे बढ़ा सकते हो या अपने वीडियो पर व्यूज़ कैसे ला सकते हो। काफ़ी यूट्यूबर हैं जो इस टॉपिक पर वीडियो बनाए चले जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप पागल बनना बंद करो, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, कोई भी वीडियो देख लो, आप सिर्फ अपने माइंड को कन्फ्यूज़ कर सकते हो और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि आप किसी की वीडियो को देखकर उसकी बातों को फॉलो करके आप अपनी वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लोगे या अपने चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ा लोगे, क्योंकि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है दोस्तों। या आपको भी पता है कि जो नया यूट्यूबर होता है उसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उसकी वीडियो पर स्टार्टिंग में बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते, और जब व्यूज नहीं आएंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कहाँ से बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी नया यूट्यूबर होता है तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है, क्योंकि हम जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं उस टॉपिक पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियो पहले से बनी होती हैं, और जब लोग उस टॉपिक पर वीडियो देखते हैं तो सीधी सी बात है दोस्तों, वो पहले पुराने यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे जिस पर ज़्यादा व्यूज ऑलरेडी होते हैं। जो नया यूट्यूबर होता है उसकी वीडियो कोई भी ओपन नहीं करता, लेकिन आप अपने वर्ग को अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप अगर कंटिन्यू वीडियो रखोगे तो हमारी वीडियो के ब्राउज फीचर में आने के चांस ज़्यादा होते हैं, और जब हमारी वीडियो ब्राउज फीचर में आना शुरू हो जाती है दोस्तों तो ऑटोमेटिकली उस पर व्यूज स्टार्ट हो जाते हैं आना, और जब व्यूज आना स्टार्ट होंगे तो सब्सक्राइब भी अपने आप बढ़ जाएंगे। तो सिर्फ यही तरीका होता है दोस्तों कि आप अपने वीडियो को कंटिन्यू रखिए, उस पर बिल्कुल भी स्किप मत करिए कि आप दो चार दिन का गैप कर रहे हो। आप अगर एक दिन छोड़कर वीडियो बनाते हो तो एक दिन छोड़कर बनाइए, तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली वायरल होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी इस टाइप की वीडियो को देखकर उनकी बातों को फॉलो मत करना कि वीडियो पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं या सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो आप सिर्फ अपने माइंड को कन्फ्यूज़ कर सकते हो और इसके सिवा आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैंने काफ़ी यूट्यूबर देखे हैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाए चले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो भी यूट्यूबर इस टॉप पर वीडियो बनाते हैं दोस्तों, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी स्टार्टिंग में कि उनकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते। तो आप किसी की बातों में अगर पागल मत बनो, आप अपना टाइम ख़राब मत करो, आप बस अपना काम करते रहो, अपनी वीडियो बनाते रहो, तो एक ना एक दिन जब आपकी वीडियो ब्राउज फीचर बनाना शुरू हो जाएगी, जब यूट्यूब को लगेगा कि आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली ब्राउज फीचर में शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, तो आपकी वीडियो पर ऑटोमेटिकली व्यूज बढ़ जाएंगे। जब व्यूज बढ़ेंगे तो वॉच टाइम भी बढ़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि अगर आपकी वीडियो 20 व्यूज आ रहे हैं तो उसमें 10 लोग सब्सक्राइब ना करें, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो लोगों की वीडियो को देखकर पागल बंदे चले जाते हैं और जैसा जैसा वो कहते हैं वो उनको फॉलो करते रहते हैं, और फिर भी उनको कुछ भी हासिल नहीं होता और बाद में वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जो नए यूट्यूबर होते हैं उनके पास कॉल आना शुरू हो चुका है दोस्तों, जो फ्रॉड कॉल होता है, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है उनको कॉल आता है कि आप हमें इतने रुपये दो, आप हमें इतने पैसे दोगे तो हम आपके इतने सब्सक्राइब बढ़ा देंगे, इतना व्यूज बढ़ा देंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। या फिर जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज होता है स्टार्टिंग में उनके पास भी कॉल आना शुरू हो गया दोस्तों, और कई बार कॉल आया भी है कि आप अपने चैनल को हमें बेच दो, हम आपको इसकी अच्छी कीमत देंगे। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है तो आप बिल्कुल भी उनकी बातों में मत आना, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रॉड कॉल होते हैं और ये आपको सिर्फ नुकसान ही कर सकते हैं आपका, और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है तो। दोस्तों, सिर्फ एक ही तरीका है आपको अपनी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज लाने का, आप अपनी वीडियो का थंबनेल होता है वो अच्छे से अच्छा बनाओ, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो का थंबनेल अच्छे से अच्छा कुछ ज़्यादा अच्छा बनाओगे तो लोग जब उसको देखेंगे तो उसको बिना ओपन करे नहीं रह पाएंगे, और अगर किसी ने वो एक बार ओपन कर दिया तो वो वीडियो पूरा देखेगा अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो, और जब आपकी वीडियो कोई देखेगा उस पर व्यूज भी बढ़ेंगे, जब व्यूज बढ़ेंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे। तो आप बस अपनी वीडियो पर काम करते रहो, किसी की बातों में मत आओ, यही एक तरीका है दोस्तों अपनी वीडियो पर व्यूज बढ़ाने का और चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाने का। आप अगर काम करते रहोगे लगातार कंटिन्यू तो आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई इस टॉपिक पर वीडियो बनाता है कि सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं या व्यूज कैसे लाएं, तो दोस्तों आपने देखा होगा जी इस टाइप की वीडियो वही लोग बनाते हैं दोस्तों जिनकी सब्सक्राइब ज़्यादा होते हैं, और या फिर जिनकी वीडियो पर व्यूज ज़्यादा आते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि वीडियो पर व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आते हैं पुराने यूट्यूबर के। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो दोस्तों जब भी वो बंदा वीडियो बनाएगा यूट्यूब पर तो वो वीडियो 1 लाख लोगों के पास जाएगी, उसका नोटिफिकेशन 1 लाख लोगों के पास जाएगा। और सीधी सी बात है दोस्तों, जब वो कोई वीडियो 1 लाख लोगों के पास जाएगी तो उसमें से 20,000 लोग तो उसे ओपन करके ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है
कि हर बंदा बिना मोबाइल के बैठा हो। 1 लाख में से 20 हज़ार लोग तो ऐसे होंगे ही जो फ़ोन चला रहे होंगे, और जब उनके पास नोटिफिकेशन जाती है दोस्तों तो वो उसको ओपन कर ही लेते हैं। तो जिनके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं दोस्तों, उनकी वीडियो और व्यूज भी ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि एक यूट्यूब चैनल है मनोज दे नाम से, आपने देखा होगा कि मनोज दे का स्टार्टिंग में जो वीडियो थी उन पर काफ़ी कम व्यूज थे, क्योंकि उस टाइम पर उनके काफ़ी कम सब्सक्राइबर थे दोस्तों, तो उनकी वीडियो पर भी व्यूज बिल्कुल नहीं आते थे। लेकिन इस टाइम आप देख लो, उन्होंने अपनी वीडियो कंटिन्यू रखी तो आज उनके 10 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और आप खुद सोचो दोस्तों, जिस इंसान के 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो अगर वो कोई वीडियो बनाएगा तो वो वीडियो 10 लाख लोगों के पास जाएगी, और 10 लाख लोगों से कम 2 लाख लोग तो ऐसे होंगे दोस्तों जो उस टाइम फ़ोन चला रहे होंगे जिस टाइम पर वीडियो यूट्यूब पर डाली गई हो। तो 2 लाख लोगों में से भी दोस्तों कम से 1 लाख लोग तो उसे देख ही लेंगे। जब 1 लाख लोग उसे देखेंगे तो उस वीडियो पर 1 लाख व्यू आना नॉर्मल बात होती है दोस्तों एक यूट्यूबर के लिए। तो दोस्तों यही तरीका है कि आप अपनी वीडियो पर कंटिन्यू काम करते रहिए। आप किसी की वीडियो को देखकर पागल मत बनो, उस पर व्यूज कैसे बढ़ाए जाएँ या सब्सक्राइब कैसे बढ़ाए जाएँ। आपकी वीडियो जब पुरानी होती चली जाएंगी और जब आप लगातार काम करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो ब्रैक फ्यूचर में आना शुरू हो जाएंगी, और जब ब्रैक फ्यूचर में वीडियो आ जाएंगी तो उस पर व्यूज अपने आप ही बढ़ने चले आते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप समझ चुके होंगे कि व्यूज कैसे बढ़ाते हैं और जो वीडियो बनाई जा रही हैं उनसे आपको क्या हासिल होगा और क्या हासिल नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।